मुंबई से चलकर सोनू सूद का बिहार आना कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल की आहट तो नहीं? जब एक पत्रकार के सवालों में उलझ गए सोनू सूद, आखिरकार वो कौन सा सवाल था जिसका जवाब देने में हिचकिचाने लगे सोनू सूद? बीते बुधवार को पटना पहुंचे फिल्म अभिनेता व समाज सेवी सोनू सूद का स्वागत एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में उनके फैंस ने भव्य स्वागत किया। सोनू सूद को बिहार में देख बिहारवासी खुशी से झूम उठे। हजारों की संख्या में अपने फैंस से घिरे सोनू सूद अपनी कार पर बैठकर लिट्टी चोखा खाने लगे। ये पहली बार नहीं जब बिहारवासी उन्हें इतना प्यार करते हैं, क्योंकि कोरोना काल में जब लोग अपने घरों में बैठे थे तो सोनू सूद एक मसीहा के रूप में लोगों की मदद के लिए सड़कों पर दिखे थे, जिसमें ज्यादातर मजदूर बिहार के ही थे जिनकी दिल खोलकर कभी मदद किए थे सोनू सूद। लेकिन जब सोनू सूद बिहार पहुंचे तो बिहार के युवा अपने मसीहा को अपने बीच पाकर उत्साह से भर गए। दरअसल पटना में द फेस ऑफ पाटलिपुत्र 3 फैशन शो का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया, जिसमें फिल्म और फैशन की दुनिया के कई बड़ी हस्तियां शामिल हुई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोनू सूद ने कहा कि बिहार में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने का कार्य योजना पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार आकर उन्हें अपने घर जैसा ही महसूस हो रहा है। जैसा सोचते थे, सुनते आए थे, उससे कहीं बेहतर बिहार और पटना के लोग हैं। बिहार से मेरा आत्मिक लगाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने सोनू सूद से पूछा, बिहार के लोग आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या आप बनेंगे? इस सवाल के जवाब में सोनू सूद ने कहा, राजनीति में जाए बिना भी लोगों की मदद की जा सकती है और मैं करता रहा हूं, लेकिन राजनीति में एक नेता के तौर पर और बेहतर लोगों की मदद की जा सकती है। इसके बाद सोनू सूद राजनीति में कदम रखते हैं या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन सवालों और जवाबों से यह अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि कहीं बिहार की राजनीति में उथल पुथल की आहट तो नहीं। और इसमें कोई दूर राय भी नहीं कि यूपी और बिहार के लोग सोनू सूद को अपना मसीहा तो मानते ही हैं, और आने वाला वक्त क्या होगा कौन जानता है।